सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त बीसीसीआई के लोकपाल न्यायमूर्ति डीके जैन ने टीवी चैट शो के दौरान महिलाओं के प्रति विवादास्पद टिप्पणी के मामले में सुनवाई के लिए भारतीय खिलाड़ियों हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल को नोटिस भेजे हैं। कॉफी विद करण शो पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए प्रशासकों की समिति ने पांड्या और राहुल को अस्थायी रूप से निलंबित किया था, लेकिन बाद में लोकपाल द्वारा जांच लंबित रहने तक प्रतिबंध हटा दिया गया था। न्यायमूर्ति जैन ने कहा, मैंने पिछले हफ्ते हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल को नोटिस जारी करके उन्हें सुनवाई के लिए पेश होने को कहा था। उम्मीद है मुंबई और पंजाब के मुंबई में 11 अप्रैल को होने वाले मैच से पहले दोनों सुनवाई में हिस्सा लेंगे। लोकपाल ने स्पष्ट किया है, इस मामले के तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इन दोनों का सुनवाई के लिए पेश होना जरूरी होगा। लोकपाल के सामने दोनों खिलाड़ियों को निजी रूप से पेश होना है, वो अपने कानूनी प्रतिनिधियों के जरिए पेश नहीं हो सकते। गांगुली पर मिली शिकायत की भी जांच होगी। जैन के पद संभालने के बाद सीओए ने ये मामला जांच पूरी करने के लिए उन्हें सौंप दिया है। जैन को भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के कथित हितों के टकराव मामले की भी शिकायत मिली है। गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के सलाहकार की दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। जैन ने कहा, मुझे आज विभिन्न मुद्दों पर नई शिकायत मिलने की उम्मीद है। मुझे नहीं पता कि ये मुद्दा उसमें होगा या नहीं। जब भी मेरे सामने ये मामला आएगा मैं इसे विस्तृत रूप से देखूंगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।